जीरो जीरो आया, मान लो ये नहीं आया और सिर्फ जीरो जीरो आ रहा है, तो इसका मतलब ये समझ लेना कि आपका फोन को वो बोलना भैया मेरे ये फोन आपका इस या तो चार्जिंग का फॉल्ट है, क्योंकि दोस्तों 0.60 नोट कर लो कॉपी में, 0.60 आपकी जो फॉल्ट है वो DPDM की वजह से आता है। मतलब ये निकलेगा दोस्तों कि आपको इसका बारे में वो बताया जाए जो अच्छे से टीचर को अच्छे अच्छे टेक्नीशियंस को नहीं पता है, क्योंकि वीडियो आपके फायदे का होना चाहिए। हम सुनते हैं सिर्फ अपनी जिद की। जिद है मेरा फितूर, जिद है मेरा गुरूर, जिद है मेरी जुर्रत। सो हाउ माय यूट्यूब फैमिली, कैसे आप सभी लोग। दोस्तों आज ना मैं आपके लिए एक बहुत गजब का प्रोडक्ट क्या है यार, ये तो सभी लोग जानते होंगे, आइए इसके बारे में थोड़ा बात करते हैं। मैं चाहता हूँ यार मेरे आने वाले जो स्टूडेंट हैं वो इसको देखें और वीडियो में इतनी जानकारी ले लें कि जब आने के बाद फिर इसके ऊपर पूछें मुझसे कि सर ये बताओ कि आपने जो वीडियो में नहीं बताया अब बताओ, तो मज़ा भी आएगा ना पढ़ाने में यार, क्योंकि जो YouTube में है उसको क्या पढ़ाना, फिर जो YouTube की पढ़ाई है वो तो कोई मतलब की नहीं है ना। तो अगर मैं बात करूँगा, ये होता है प्रोडक्ट स्कीमेटिक, आप देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है और इसको कहते हैं 6-port चार्जिंग और सबसे बेस्ट है सनशाइन का, ये मैंने ZX मलिक से परचेस किया हुआ है। और दोस्तों अभी जितने भी आ रहे हैं ना वायरलेस वाले तो वो सब बेकार हैं, उनको लेने की ज़रूरत नहीं है। आप ये 6 या 8 port लेना और जिसके अंदर टाइप सी आ रहे हैं वो ज़रूर लेना, क्योंकि वो एक एडवांस है। तो अभी मेरे पास खाली एक 6 port है, तो अगर मैं बात करूं और इस 6 port की, तो दोस्तों ये काफ़ी एक अच्छा डिवाइस है, इससे हम फ़ोन को बिना खोले हम थोड़ी बहुत चीज़ें आकलन निकाल सकते हैं दोस्तों, आकलन, राइट। मैं ये नहीं कहूँगा कि आप बिल्कुल बोल दें यही फॉल्ट है ना। और जितने भी मैंने यूट्यूब में वीडियो देखे, मुझे वो वीडियो देखने के बाद लगे एक दो वीडियो को ठीक है, कुछ वीडियो मुझे लगे कि उसमें सही नॉलेज नहीं दी है, क्योंकि मैं ये कहना चाहता हूँ कि भैया पहले काम तो कर लो मार्केट में, फिर बाद में इसके ऊपर नॉलेज देना, पहले 4 phone बनाइए फिर बाद में इसके ऊपर नॉलेज देना। बट ठीक है, YouTube को है ही ज्ञान देने के लिए, तो आज हम भी ज्ञान देते हैं, पर हमारा ज्ञान नॉलेजेबल होगा और एक्सेप्टेबल होगा और वर्किंग होगा, और जब भी आप यूज़ करोगे तो आपको वही चीज़ मिलेगी। क्योंकि मैं जो भी क्लास में भी बताता हूँ ना तो हमेशा प्रैक्टिकल बताता हूँ, मैं थ्योरिकल नहीं बताता। मैं बोल दूँ यहाँ पर 0 फ्लक्चुएट होगा तो ये होगा, मैं नहीं बताता। आइए इसको थोड़ा पावर लगाते हैं। सो देखिए हमने इसको पावर लगाया है, आप देख सकते हैं ये प्रोडक्ट चालू हो गया है नॉर्मल। इसमें आप देखिए तो डायरेक्ट AC वोल्टेज एंटर करता है इसके अंदर, और ये AC पावर से ऑन होता है इसके अंदर, और यहाँ पे अगर बात करूँ AC सर्किट होगा जिसकी वजह से ये वर्क कर रहा होगा। इसको खोल के इसके अंदर का सर्किट बता के क्या ही मतलब निकलेगा, बट मतलब ये निकलेगा दोस्तों कि आपको इसका बारे में वो बताया जाए जो अच्छे से टीचर को अच्छे अच्छे टेक्नीशियंस को नहीं पता है, क्योंकि वीडियो आपके फ़ायदे का होना चाहिए दोस्तों। ये 6 port है और हर पोर्ट पर जो हम चार्जर लगाते हैं तो उसका एम्पियर शो होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कोई फ़ोन का चार्जर लगाऊं, आप नोटिस कीजिएगा, जैसे मान के चलिए मैं एक फ़ोन का चार्जर लगाता हूं आपके सामने, देखिए यहां पर मैंने इसमें यूज़ किया ये पोर्ट है ना, क्योंकि वीडियो बहुत अच्छा है और लंबा ही होगा पर आपके फ़ायदेमंद का होगा। तो अब देखिए कि ये आपका इधर आना चाहिए, ये आप इनपुट दे रहे हैं और ये सब आ रहे आउटपुट है, मतलब आप अपने अपना इतना वोल्ट दिया तो कितने एम्पियर निकलेंगे। और अब हम इसको यूज़ करेंगे, तो अब हम कैसे यूज़ करेंगे, तो अब हम इस फ़ोन में इस चार्जर को इंसर्ट करेंगे और देखेंगे कि ये कितना चार्ज ले रहा है, ठीक है। तो कुछ व्यवस्था बनाते हैं आपके लिए, चलिए देखिएगा। जैसे ही मैं चार्जर लगाता हूँ, देखिए जैसे ही मैं चार्जर लगाऊंगा, ये मैंने लगाया, आप नोटिस करो, आप देखो ये यहाँ पर कितना एम्पियर शो हो गया, और आप नोटिस करोगे यहाँ पर आपको 1.3 एम्पियर देखने को मिल रहा है, जो कि 1.6, 1.7 और इस तरह से 1.6 volt एम्पियर पर चला गया। मतलब इसका मतलब ये है,
कभी भी अगर मोबाइल फ़ोन आए और आने के बाद अगर आपको लग रहा है कि वो ब्लैंक डिस्प्ले है, आपको लग रहा है कि ग्राफिक्स का फॉल्ट है, लाइट का फॉल्ट है, कस्टमर बोले आपसे कि भैया लाइट का फॉल्ट है, ब्लैंक डिस्प्ले है, ग्राफिक्स का फॉल्ट है, ब्लैंक डिस्प्ले है, तो आप सीधे फ़ोन मत ले लेना, इसमें लगाना, क्योंकि उस समय कस्टमर का कहना ये है कि फ़ोन चालू है मेरा। तो यहाँ पर आपको 1 MPD के ऊपर आना चाहिए, किसी भी पोर्ट में लगाओगे तो 1 MPD के ऊपर आना चाहिए। और दोस्तों अगर 1 MPD के ऊपर नहीं आता है, ये 0.1 के नीचे रहता है, जैसे 0.60 ध्यान रखना, मेरी रीडिंग नोट कर लेना कॉपी में, कल को भूल जाओगे, 0.60, 0.20, 0.10, और अगर ये रीडिंग ये दिखाता है तो आपको ना एक बार बैटरी को चार्ज बूस्ट कर लेना निकाल कर, और उसके बाद फिर लगाना, और अभी भी अगर वही रीडिंग दिखाता है तो कस्टमर को वो बोलना भैया मेरे ये फ़ोन आपका इस या तो चार्जिंग का फॉल्ट है, क्योंकि दोस्तों 0.60 नोट कर लो कॉपी में, 0.60 आपकी जो फॉल्ट है वो DPDM की वजह से आता है। बेसिकली आप किसी भी फ़ोन में पॉइंट अगर DPDM की लाइन ओपन भी करोगे ना खुद से तो 0.60 फॉल्ट आ जाएगा। कुछ फ़ोन में DPDM की वजह से ये 0.0 भी चला जाता है, एक्सेप्टेबल है, ठीक है। अगर मैं बात करूं 0.60 दोस्तों, कुछ कुछ फ़ोन में एक MMC और एक CPU की रीडिंग भी हो सकती है, सिर्फ MMC नहीं, वो एक CPU की भी रीडिंग हो सकती है, और CPU डैमेज भी हो सकता है, मतलब वो फ़ोन आपका शॉर्ट है। बट 0.60 अगर आए तो ये समझ लेना कि आपकी जो प्राइमरी वोल्टेज है BBAT और जो सेकेंडरी वोल्टेज है BPH, वो दोनों ही वोल्टेज बन रही हैं। सो 0.60 में अगर, हाँ, और 0.60 अगर स्टेबल हो ना, तो ये भी समझना कि BPH आपका फ्लक्चुएट नहीं हो रहा है, मतलब आपका फ़ोन में शॉर्टिंग नहीं है। सो देखो बहुत सारी नॉलेज मैंने आपको दे दी यहाँ पर, अब और थोड़ा बात करते हैं। मान लीजिए ये वोल्टेज आने के बाद गिर गया, जैसे 1.8 आया, 1.2 आया, उसके बाद 0.60 आ गया, तो ये फेक चार्जिंग मान लेंगे आप। सो आप कस्टमर को बोलना कि भैया तुम्हारे फ़ोन में फेक चार्जिंग भी है, भाई ग्राफिक्स का भी फॉल्ट है, फेक चार्जिंग भी है। मान लीजिए यहाँ पे 0.20, 0.10 बनता है, तो और बैटरी भी चार्ज कर ली है 3.7, तो भी आप 0.10 बनता है, तो मतलब समझना भैया मेरे कि वो फ़ोन डेड है, उस पर BPH भी देखना है आपको, BPH बन रही है कि नहीं बन रही है। हालांकि 0.20 में BPH बन जानी चाहिए, तो जनरली ये जो रीडिंग होती है ये CPU RAM की रीडिंग होती है, तो ये नोटिस रखना। मान लीजिए अगर यहाँ पर है ना रीडिंग फ्लक्चुएट हो रही है, 0.60, 0.5, 0.3 फ्लक्चुएट हो रही है, तो समझना लाइन आपके फ़ोन में शॉर्टिंग है, क्योंकि और मान लीजिए ये लगाते साथ में ये डिस्प्ले बंद हो गया तो आपके बीबस लाइन पे ही शॉर्टिंग है। और अगर मान लीजिए ये रीडिंग फ्लक्चुएट हो रही है, तो आप ये समझ लेना कि आप के सेट में कहीं ना कहीं कोई सेकेंडरी लाइन या कहीं पर भी LDO की सप्लाई में शॉर्टिंग है, VRH की लाइन शॉर्ट है, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर हम इससे बहुत कुछ समझ सकते हैं इस रीडिंग से, पर एक फाइनल आकलन नहीं निकाल सकते, इसको हम सिर्फ एक अनुमानित समझते हैं। हम DC मशीन से भी यही सारा काम करते हैं, और उससे हम पर फाइनल आकलन हम टेस्टिंग करके ही निकालते हैं, एक इन आउट, एक वोल्टेज, एक IC की रिक्वायरमेंट, वो सब समझ कर हम ही अपना सारा काम करते हैं। सो ये प्रोडक्ट बेसिकली बहुत बेस्ट है, आपकी दुकान में ये होना बहुत ज़रूरी है, बिना फ़ोन खोले आपको ये ज़रूर चेक कर लो। अगर आप मान लो लगाते हैं इसको, आपने लगाया और यहाँ पर 0.0 आया, मान लो ये नहीं आया और सिर्फ 0.0 आ रहा है, तो इसका मतलब ये समझ लेना कि आपका फ़ोन का CC खराब हो सकता है, फ्लैक्स केबल खराब हो सकती है, चार्जिंग नहीं ले रहा आपका फ़ोन, ये कम्प्लीटली डेड भी है। अगर फ़ोन में डिस्प्ले नहीं दिखाई दे रहा है, DC से ऑन नहीं हो रहा है, तो आप कस्टमर को होल्ड करना और कस्टमर से बोलना देख भाई तेरा फ़ोन ऑन तो नहीं है, ऑन होता तो यहाँ पे कुछ ना कुछ शो करता, और मैंने बैटरी भी चेंज की है, तो भैया फ़ोन ऑन नहीं है, तो चार्जिंग भी चेक करना, बीबस चेक करना, बीबस इन हो रहा है, पूरा इन हो रहा है, IC तक जा रहा है, OVP के भी आगे जा रहा है, तो समझ लेना फ़ोन डेड है। सो दोस्तों हाँ, बट ये भी समझ लेना बीबस के आगे भी बहुत सारे ऐसे फॉल्ट होते हैं, जैसे बक, जैसे आपका चार्जिंग का जो कॉयल होता है वो निकल जाए तो भी आपका नो चार्ज आ जाता है, चार्जिंग में मिड ना बने तो भी चार्जिंग नो कॉयल आपका नो चार्ज आ जाता है, तो ऐसे बहुत सारे फॉल्ट होते हैं जिसको आपको समझना पड़ेगा एक मास्टर से, है ना। सस्ती फीस में तो सस्ता ही ज्ञान मिलेगा, और ज़िंदगी भर सभी को गालियाँ दोगे सस्ती वाली। और भीड़ भड़क के में जाना है तो चले जाओ जहाँ पे भी 50-60 लोगों के बीच में बैठना है, और एक गुमशुदा कि भाई आपको कोई देख भी नहीं रहा, पूछ भी नहीं रहा, तो फिर वहाँ चले जाओ। या ऐसी जगह जाना है जो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी से साथ आपको पढ़ा रहे हैं, और आपके कंधे पे हाथ न रख के आपके सर पे हाथ रखेंगे, और ये वादा करेंगे कि आपका पैसा वेस्ट नहीं होने देंगे, और आपको पूरा पैसे गारंटी की वापस, आपको एक गारंटी देंगे पैसे की, तो ही ऐसे इंस्टीट्यूट में जाना। अदरवाइज़ दोस्तों किसी इंस्टीट्यूट में 30-40
नंबर के 30-40 या 50 बच्चे बनकर आप बैठे हैं भीड़ में, तो आप सोचो कि आप अपने टीचर से जब 20 फिट की दूरी में बैठे हो तो क्या ही उससे सीखोगे, क्या ही सीखने को मिलेगा। तो ये भी समझ लेना, ये मेरा एक थॉट है। तो प्लीज़, और दोस्तों अगर आप मोबाइल रिपेयरिंग कर रहे हैं और इस प्रोडक्ट को तो परचेस करना, ये तो बहुत अच्छा प्रोडक्ट है और इसके बारे में मैं आगे भी बहुत डीप लेवल पर नॉलेज दूंगा। अगर आप मोबाइल रिपेयरिंग कर रहे हैं और अगर आप चाहते हैं कि मोबाइल का काम सीखें, तो ऐसी जगह बिल्कुल मत जाइए जहां आप घूमने के बारे में सोच रहे होंगे। आप मोबाइल रिपेयरिंग में जाइए तो आप अपना पूरा एक एक मिनट, आप 12 घंटे पढ़ें, आप 10 घंटे पढ़ें, आप जितना पढ़ें 14 घंटे पढ़ें, सामने वाले की क्षमता आपकी भी क्षमता, बट आप अपना एक एक मिनट पढ़ाई में लगाइए ईमानदारी से, खाना और रहने के बारे में ना सोचते हुए, सिर्फ पढ़ाई, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। इतना पैसे देकर एक जगह जाना और उसके बाद नहीं सीखना तो मतलब ज़िंदगी भर एक क्या ही बोले कि एक गुमान हो जाता है, एक गुमान रह जाता है। और किसी भी इंस्टीट्यूट से अगर आप सीख चुके हैं और आपको लगता है कि आप पूरा नहीं सीखे हैं, तो उसको वापस कॉल लगाइए, किसी दूसरे तीसरे इंस्टीट्यूट में मन भटकिए, मैं यही कहना चाहूँगा। और नए इंस्टीट्यूट में जाने से अच्छा है उसी इंस्टीट्यूट में कॉल लगाइए, उनसे बात कीजिए, बैकअप में जाइए और प्रॉपर सीखिए। और अगर मान लीजिए आपको लगता है कि उनको आता ही नहीं है, तो फिर तीसरे इंस्टीट्यूट में जाइए, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, कोई हर्ज नहीं है, आपको सीखना तो है ही सर। सो ये कैसा लगा वीडियो बताएगा जरूर, और वीडियो में मैंने जितनी भी जानकारी दी है आपके बहुत काम में आएगी, और ऐसे ही कुछ वीडियो नए बनाना है, बनाते रहूँगा आपके लिए। और बस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर देना दोस्तों, प्लीज़ इसको फेसबुक में शेयर कर दो यार, प्लीज़ अगर दिल से देवता नगवाल को पसंद करते हो तो। थैंक यू वेरी मच। परमेश्वर अभी तक कोई यूट्यूब में नहीं बताया हो, क्या नाम है आपका? संतोष। अभी आप क्या करने वाले हैं? सिको निकल रहा हूँ। कौन सा फोन है ये? MI Y1। Y1 है जी। तो अभी आप इसका CPU निकालने वाले हैं?